How to recover deleted videos from Android phones in 2020. आज के वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है यही मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी कभी बाय मिस्टेकली हमारे हाथों से हमारे मोबाइल की कोई वीडियो डिलीट हो जाती है गैलरी में से, और जब हमें उस वीडियो की ज़रूरत पड़ती है और जब हम उसे गैलरी में आके सर्च करते हैं और फिर हमें वो वीडियो मिलती नहीं है, तब हमें पता चलता है कि यार ये वीडियो तो बाय मिस्टेकली डिलीट हो चुकी है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें? टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने प्रीवियसली उस वीडियो का अगर आपने कोई बैकअप नहीं लिया तो उस वीडियो को रिकवर करना इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। लेकिन इससे आप लेसन लेके सेकेंड टाइम भी अगर आपसे सेम ऐसी मिस्टेक हो जाए तो ऐसे केसेस में आप एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर सेकेंड टाइम भी अगर आपके हाथों से कोई वीडियो डिलीट हो जाए तो ऐसे केसेस में आप उसको इजीली रिकवर कर पाओ। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक गूगल फोटो एप्लीकेशन का। तो इसके लिए गूगल फोटो एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पर सेटिंग सेक्शन में जाना है और यहाँ पर बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन इनेबल कर देना है। यस, तो बस इतना सा ही सेटिंग आपको इस गूगल फोटो एप्लीकेशन में करना है। उसके बाद ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है जिसमें आप अपनी वीडियो को स्टोर करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी ये सेटिंग अप्लाई करने से बेनिफिट ये होगा कि अभी आप अपने मोबाइल में जो भी वीडियो को कैप्चर करेंगे, चाहे वो आपने वीडियो कैमरा से कैप्चर किया हो या आपको व्हाट्सएप पे आया हो या किसी ने शेयर किया हो, तो सारा का सारा वीडियो विदाउट आपके परमिशन ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा। मोबाइल में मीन्स आपके गूगल फोटो के एप्लीकेशन में स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी वीडियो डिलीट हो जाएगा तो आप उसको ईजिली रिकवर कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं एक लाइव वीडियो कैप्चर करूँगा जस्ट 5 सेकेंड्स का। तो यहाँ पे वीडियो मैंने कैप्चर किया, तो यहाँ पे ये जो वीडियो है अभी गैलरी में स्टोर हो जाएगा। सो लेट मी शो यू, यहाँ पे मैं गैलरी ओपन करता हूँ और गैलरी में ये रहा वो वीडियो जो अभी मैंने जस्ट रिकॉर्ड किया था, राइट। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये जो वीडियो है ये गूगल फोटो में स्टोर हुआ है कि नहीं। ओके, सो एज यू कैन सी दैट ये वीडियो यहाँ पर स्टोर हो चुका है। दैट्स इट। अब इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से अपने गैलरी में जाऊँगा और गैलरी में से उस वीडियो को डिलीट कर दूँगा जो मैंने अभी जस्ट रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो है और इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। अब डिलीट करने के बाद फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मेरे हाथ से बाय मिस्टेकली डिलीट हो गया, तो ऐसे केसेस में अभी मैं इस वीडियो को मुझे इसे रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए मैं आप फिर से अपने गूगल फोटो के एप्लीकेशन में जाऊंगा। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर वो वीडियो ऑलरेडी स्टोर होगा, तो बस डायरेक्टली इसको अपने गैलरी में रिस्टोर कर लेना, आई मीन टू इसको रिकवर कर लेना अपने गैलरी में। अब इसको अपने गैलरी में सेव करने के लिए आपको डायरेक्टली इस वीडियो पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। एज यू कैन सी, बस डायरेक्टली उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप इस वीडियो को अपने गैलरी में स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप है, फेसबुक है, गूगल ड्राइव है, कई सारे। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सअप का यूज़ करूँगा, तो बस आपको व्हाट्सअप पर इस वीडियो को सेंड कर देना है, और सेंड करने के बाद आप डायरेक्टली इसको अपने गैलरी में स्टोर कर सकते हैं इजीली। तो बस उस कॉन्टैक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना जो आपके नियर बाय में है, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर में किसी पर्सन के वो व्हाट्सअप मोबाइल पे आपको ये वीडियो सेंड कर देना है, और फिर उसके बाद उस पर्सन के फिर से मोबाइल नंबर पे आपको अपने मोबाइल पे सेंड कर देना है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने इस वीडियो को सेंड किया इस राइट लेफ्ट वाले मोबाइल में।
सो एज यू कैन सी यहाँ पर ये वीडियो आ चुका। अब फिर से इसको मैं यहीं से डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा, फिर से उसी कॉन्टैक्ट पे सेंड कर दूँगा, जिस यानी कि मैं डायरेक्टली अपने कॉन्टैक्ट पे सेंड कर दूँगा, तो डायरेक्टली ये मेरे गैलरी में स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये बेस्ट मेथड को अप्लाई करके आप अपने डिलीटेड वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू इन 2020 एंड इन फ्यूचर एज वेल। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन।